पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। छोटे दादू, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, हम परेशान कहाँ हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तुम जाओ, तुम्हें भाभी बात ढूंढ रही थी। गुड्डी, आप यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? कब से आपको मम्मा ढूंढ रही है? चलो, बुआ जी की हल्दी में आपको भी प्रिंसेस की तरह रेडी होना है ना जी। नोटिस के बारे में भैया को बताना पड़ेगा, अगर किसी और को बता दिया तो बेटी के हल्दी का रंग काला पड़ जाएगा। ज्योति, जा देख करके आना कि मनीषा तैयार हुई है नहीं, और ये भी उसको दे देना। आपको सूचित किया जाता है कि आपके घर का आगे का हिस्सा गैर कानूनी ढंग से बना है, इसलिए 3 दिन बाद उसे ढहाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। भाभी को सालों बाद इतना खुश देख रहे हैं, जब मनहूस खबर देखे उनकी खुशी छीनने का पाप हमसे नहीं होगा। नन्हे भैया। हाँ भाभी बा, नन्हे कुछ कर कहीं छुपा दे। नन्हे भैया, आप ये पसीना पसीना क्यों हो रहे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी बा, तबीयत एकदम चकाचक है। वो क्या है ना, हम खुद चाहते हैं कि तैयारी में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए खुद ही भाग दौड़ करके ना सब व्यवस्था देख लो। अच्छा 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 भाभी माँ, हम जरा भैया से फोन करके पूछते हैं कि पंडित जी को लेकर कब आ रहा है। ठीक है। मनीषा की शादी ने ना सबका जोश लौटा दिया है। ये देखो पापा, आपके बही खाते वाली डायरी मिल गई। अरे वो बही खाते वाली बुक कहाँ है? ये तो थी वो नोटिस का लिफाफा, उसी में तो छुपा था मैंने। भगवान, अगर किसी और के हाथ लग गया और उसने पढ़ लिया तो जश्न वाले घर में मनहूस ही अच्छा जाएगी। Mom, look at this. ये क्या है? Enough, Rahul. तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं मॉम, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। You are looking like a flower bouquet. Shut up. तारीफ और मजाक में फर्क पता है मुझे, okay? Okay, but आप मुझे please एक मिनट दीजिए, क्योंकि मैं आपकी genuinely तारीफ कर रहा हूँ। बस dad needs to see this, एक सेकेंड। नहीं नहीं जाओगे राहुल, stay here, okay? ये कंगन, तुम आज ये कंगन रति को पहनाओगे। एक्सक्यूज मी, क्यों? भुलक्कड़ है या बन रहा है? क्या तय हुआ था? अगर मैच जीत गए तो रति से शादी के लिए हाँ कर देगा। तो अभी कंगन लो और जाके रति को पहना दो। मॉम, पर ये कंगन पहनाना कौन सा रिचुअल होता है? आप ही रखिए इसे। क्यों नहीं होता है? देखो, तुम उसके हाथों में एक कंगन डालोगे और बोलोगे, रति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिंपल। अच्छा, इतना फिल्मी? मैं मॉम। इसमें फिल्मी क्या है? मैं तो उसी मैच वाले दिन तुम्हें ये कंगन फील्ड पे देना चाहती थी, लेकिन इसकी ये कड़ी टूट गई थी, इसलिए नहीं दिया। देख, अब और देरी मत कर और जाके कंगन रति को पहना दे। Oh my God, oh my God, oh my God. Rahul, मुझे कंगन बना के प्रपोज करने वाला है। I can't believe it. Oh my God. अरे आराम से रति, आराम से। तुम ये मिठाई कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वो दादी ने मंगवाई है ना। तो मैं
एक लेके जाती हूँ। अरे मॉम, मॉम एक्चुअली देखिए प्लीज जस्ट थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी लिटिल टाइम। देखिए मैं ये कंगन एंड ऑल और रति से कमिटमेंट ये सब मैं अभी करना नहीं चाहता। तू मुझसे अपनी फेवरेट घड़ी मांगने में दिला दूंगी, लेकिन मुझसे टाइम मत मांग। मॉम देखिए हम ये सब के बारे में बुआ जी की शादी के बाद बात कर सकते हैं, राइट? राहुल, पंडित जी ने मनीषा की शादी का शुभ मुहूर्त निकाला है। मैं चाहती हूँ कि इस शुभ घड़ी में तेरी भी जिंदगी का फैसला हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि बुआ जी की शादी के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाए? तू बैठ, बैठ। अच्छा ठीक है, शादी नहीं तो रोका कर लो, एक बार रोका हो जाएगा फिर हम आराम से शादी करेंगे। तब तक तुम्हें रति को जानने बूझने का टाइम भी मिल जाएगा। बस बेटा तूने ही रति को लंदन से यहाँ बुलाया था, तू भी यही चाहता है अंदर से, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैच जीतने पर रति से शादी करने के लिए हाँ वाली शर्त तुमने मान ली थी, याद है? तो बोल बेटा, मानेगा ना मेरी बात? ओके मॉम, अगर आप कह रही हैं तो मैं करूंगा। रोना आ रहा है, पर तुम तो यही चाहती थी ना मौली? नहीं, ये नहीं चाहती थी मैं। अच्छा चल छुट्टी, अगर तुम ये नहीं चाहती तो अब तक राहुल को अपने दिल की बात कह चुकी होती ना। जो बात मैं खुद को बोलने से डरती हूँ वो राहुल से बोल दूँ, आसान है क्या? मुश्किल तो है। पर ये इजी है, ये दुपट्टा ओढ़ के राहुल की शादी में नाचना। नहीं 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 सॉरी, शादी से पहले तो एंगेजमेंट होगी ना, उसकी एंगेजमेंट में ये पहनना, शादी के लिए मैं कुछ और दे दूंगी। हाँ ताने ही देने तो जस्ट शट अप। सच ये है राहुल को मैं नहीं रति पसंद है, और होगी ना, बचपन के दोस्त है दोनों, कितना मिस कर रहा था राहुल उसे, उसके एक बार बोलने से वो लंदन से यहां तक आ गई राहुल के लिए। विजय ताऊ जी और तन्वी ताई जी उसे अपनी बहू भी मान चुके हैं, दोनों फैमिली से एक दूसरे को जानते हैं, और इन सब में मैं कहां फिट होती हूँ? राहुल के लिए फीलिंग्स मैं उससे पूछ के तो नहीं लाई हूं ना, तो इट्स माय प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को मैं हमेशा के लिए सॉल्व कर दूंगी। आज के बाद मैं राहुल के परछाई से भी दूर रहूंगी, उसका ख्याल दिमाग में भी आएगा ना तो दिल तक नहीं आने दूंगी मैं। मौली, दिल और दिमाग के बीच आती है आंखें। जिस दिन राहुल तुम्हारी आंखें समझ जाएगा ना कि तुम उसके रूह, दिल और दिमाग तक में बस गई हो, उस दिन मैं देखती हूं कि राहुल क्या करता है। मुंबई, मौली घर पे शादी है, सब लोग यहाँ पर हैं, और तुम्हें अचानक से मुंबई जाना है? वर्क कॉल पापा, वो डॉक्टर शंकर ने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला है कि जिस पेशेंट की सर्जरी हम दोनों ने साथ मिलकर के की थी ना, उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं पर्सनली जाकर के ये केस हैंडल करूँ, और फॉर दैट मुझे वहाँ जाना होगा। मौली डॉक्टर शंकर से मैं बात कर लूंगा।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।